दोस्तों, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं थंबनेल पर, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग इतिहास पढ़ने वाले हैं। और इतिहास के पहला अध्याय जो 12वीं के बुक से लिया गया है, पहला अध्याय के प्रश्न इस प्रकार है, इतिहास किसे कहते हैं? तो अतीत और वर्तमान, जो प्राचीन और वर्तमान जो चल रहा है ना, तो उसके बीच जो बातचीत की जाती है, उसके बीच जो संवाद किया जाता है, उसे ही इतिहास कहते हैं। उसे इतिहास का इतिहास शब्द किस भाषा से लिया गया? ग्रीक भाषा से लिया गया है, जो इति और हास दो शब्द के मिलने से बना है, जिसका अर्थ होता है बीता हुआ युग। क्या अर्थ क्या होता है? बीता हुआ युग को ही इतिहास के रूप में हम लोग जानते हैं। फिर इतिहास किस शब्द से बना हुआ है? लैटिन शब्द से हिस्टोरिया से बना हुआ है। इतिहास का जनक कौन है? इतिहास का जनक हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय इतिहास का जनक अगर पूछा जाएगा तो मेगास्थनीज को ध्यान रखेंगे। अब फिर आता है प्राचीन भारतीय इतिहास को जितने कालखंडों में बांटा कर देखा गया है, तो प्राचीन इतिहास को मुख्य रूप से अध्ययन दृष्टि से तीन कालखंडों में बांटकर देखा गया है। पहला हो गया प्राचीन, दूसरा हो गया मध्य हो गया, और तीसरा क्या हो गया? आधुनिक। तो प्राचीन इतिहास किसे कहते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। प्राचीन इतिहास क्या है? तो प्राचीन इतिहास करोड़ों वर्ष पूर्व से लेकर के 627 ईस्वी हर्ष राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है ना, तो वहाँ तक इतिहास को क्या बोला जाता है? प्राचीन इतिहास। फिर आता है मध्य इतिहास, किसे कहते हैं? अर्थात मेडाइवल हिस्ट्री। तो इस इतिहास को कितने भागों में बांटकर देखा गया? तीन भागों में बांटकर देखा गया। पहला आता है पूर्व मध्य काल, दूसरा आता है दिल्ली सल्तनत, और चौथा आता है तीसरा आता है मुगल वंश। पूर्व मध्य काल को 647 से लेकर के 1206 ईस्वी तक बांटकर देखा जाता है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत को 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक बांट देखा जाता है। मुगल वंश 1526 से लेकर के 1757 ईस्वी तक बांटकर अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास को इस इतिहास को 1757 ईस्वी से लेकर के, ठीक है ना, 1947 ईस्वी तक बांट करके अध्ययन किया जाता है। जेम्स मिल जो अर्थशास्त्री भी थे, जो इतिहासकार भी थे, इसके द्वारा 1817 ईस्वी में ब्रिटिश भारत के इतिहास पर पुस्तक लिखी गई थी, जिसमें भारतीय इतिहास को इन्होंने तीन भागों में बांट कर देखा, बताया हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज। ये तीन कालखंड में बांट करके जेम्स मिल जो स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे, इसके द्वारा तीन भारतीय इतिहास को तीन कालखंड में बांट करके बताया गया था। अब इतिहास का जो निर्माण होता है ना, तीन स्रोत पर इम्पोर्टेंट आधारित होता है। पहला हो गया पुरातत्व, दूसरा क्या हो गया? साहित्य, और तीसरा क्या हो गया? विदेशी विवरण। पुरातत्व मतलब कि धरती के अंदर से जो भी चीज़ सामग्री मिलती है उसे पुरातत्व कहते हैं। साहित्य मतलब कोई पुस्तक वगैरह सब। अब विदेशी विवरण मतलब कि जो मेगा सिंह फाजान जितने भी विदेशी यात्री भारत आए थे ना, तो उसके बारे में जो चर्चा जिस माध्यम से उन्होंने चर्चा किया, उससे हमें उस समय के इतिहास के निर्माण में जानकारी के स्रोत के रूप में प्राप्त हो पाते हैं। अब आता है इंडिया शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई थी। इंडिया शब्द इंडस से निकला है और संस्कृत में सिंधु कहा गया है। लगभग 2500 वर्ष पहले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हदोस और इंदोस कहा था। उसी का रूपांतरित नाम है इंडिया। पांडुलिपि किसे कहते हैं? तो पांडुलिपि क्या है? तो प्रायः तारपत्रों और भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीकों से जो भोजपत्र तैयार किया जाता है ना, तो इसे पांडुलिपि के रूप में जाना जाता है। और इस पुस्तक में धार्मिक मान्यताओं की जानकारी देखने को मिलती है। अभिलेख इंस्क्रिप्शन क्या है? अभिलेख क्या है? तो ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, उसे अभिलेख के रूप में जाना जाता है। प्रश्न आ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व 5000 वर्ष पहले है ना, सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ था, जो विश्व की चार प्रमुख सभ्यताओं का समकालीन सभ्यता थी। ग्रीक सभ्यता, ईट की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीनी सभ्यता, ईरान की सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता थी। पुरातत्व क्या है? तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से हम पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के पेट में छिपी हुई जितने भी सामग्री होती है, उसको खुदाई करके हम लोग अपने अतीत के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, उसे पुरातत्व के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत खंडहर आते हैं, सिक्के आते हैं, स्मारक आते हैं इत्यादि की जानकारी मिल पाती है। फिर आता है 15 जनवरी 1784 ईस्वी में क्या होता है? विलियम जोन्स जो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं पुरातत्व के सामग्रियों को संरक्षण प्राप्त करवाने के लिए। 1861 ईस्वी में क्या होता है? पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती है। और 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल के रूप में घोषित किया जाता है। चार्ल्स मेसन के द्वारा 1826 ईस्वी में क्या होता है? चार्ल्स मेसन के द्वारा
चार्ल्स मेसन के द्वारा 1826 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा टीले की खोज की जाती है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के रूप में तो एक इतिहासकार था जिसका नाम रंगनाथ राव महोदय था, इसके द्वारा हड़प्पा सभ्यता के इतिहास मतलब कि विस्तार के अंतर्गत बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता का जो उत्तर और दक्षिण सीमा है, उत्तर से 1100 किलोमीटर, उत्तर हो गया, ये हो गया लेकर के दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, तो ध्यान रखना है उत्तर से दक्षिण की ओर 1100 किलोमीटर हो जाएगा और आपको पूरब से पश्चिम की ओर 1600 किलोमीटर हो जाएगा, 1600 किलोमीटर हो जाएगा पूरब से पश्चिम की ओर 1600 किलोमीटर हो जाएगा। ये किसके द्वारा बताया गया? रंगनाथ राव महोदय के द्वारा ये बताया गया है। इस अब तो देख सकते हैं आप, इस स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इसका जो मतलब क्या डिजाइन बनाया गया है, नक्शा मेरे द्वारा बनाया गया है। इसका क्षेत्रफल कुछ हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कुछ समय पूर्व विद्वानों ने 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल पूरे एरिया ऑफ हड़प्पा का बताया, और उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है 1100 किलोमीटर यहाँ देख सकते हैं, और पूर्व से जो पश्चिम की ओर लंबाई है 1600 किलोमीटर है। और किसके द्वारा बताया गया था? रंगनाथ राव महोदय के द्वारा ये बताया गया है। आप हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर के नाम के रूप में मोहनजोदड़ो आता है। मोहनजोदड़ो के अंतर्गत मोहनजोदड़ो के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये अति महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पूछ देगा मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, और इसके आसपास की भूमि है ना उपजाऊ थी, इसलिए इसे सिंधबाग के रूप में जाना जाता है। अगर आप सबसे पूछ देगा कि सिंधबाग किस सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर को कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो को ही सिंधबाग के रूप में जाना जाता है। और मृतकों का टीला किस नगर को हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर को मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है, तो उसका नाम होगा मोहनजोदड़ो। यहाँ से 1398 मोहरे प्राप्त हो पाती है, पुजारी के सिर प्राप्त हो पाते हैं, काश की नर्तकी भी प्राप्त हो पाती है, सूती कपड़े के अवशेष मिलते हैं, शिलाजित जो औषधि का प्रयोग बलवर्धक के रूप में पुरुष करते थे उसका प्रयोग किया जाता है, और मेसोपोटामिया की मोहरे तथा हाथी दांत के तराजू की प्राप्ति मोहनजोदड़ो से हो पाती है। फिर आता है हड़प्पा। हड़प्पा से स्त्रियों की गर्भ पेट से निकला हुआ पौधा प्राप्त हो पाता है, ठोस पहिए वाली गाड़ी, संघ का बैल, गेहूँ, भूसी इत्यादि की जानकारी हड़प्पा से प्राप्त हो पाता है। चनहुद्रो से मनके बनाने कारखाना, अलंकृत हाथी, पीतल की बत्तख का प्रयोग और लिपस्टिक अति महत्वपूर्ण लिपस्टिक का साग जो है ना चनहुद्रो से ही प्राप्त हो पाता है। कहाँ से प्राप्त हो पाता है? चनहुद्रो से लिपस्टिक के साग रूप में प्राप्त हो पाता है। लोथर यहाँ से फारस की मोरे धान एवं बाजरे की खेती का प्रमाण, हाथी दांत के पैमाने और बंदरगाह अर्थात गोदी का भी साक्षी लोथल से प्राप्त हो पाता है। कालीबंगा इस नगर से अग्निकुंड बेलनाकार मोहर, अग्निकुंड का साक्ष बेलनाकार मोहर, लकड़ी की नाली उसके बाद जुते हुए खेल का प्रमाण, खेत का प्रमाण, साक्ष की और भूकंप इत्यादि की साक्ष जानकारी प्राप्त हो पाती है। फिर आता है लेकर के बनावली, यहाँ चक्राकार अंगूठियाँ, नाक एवं कान की बालियाँ, मछली पकड़ने का कांटा, ये इतना प्राप्त हो पाता है बनावली से, मछली पकड़ने के कांटा ये प्राप्त हो पाती है। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगरों एवं उसके खोजकर्ता के रूप में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगर के रूप में खोजकर्ता के रूप में नगरों के नाम में हड़प्पा आ रहा है, मोहनजोदड़ो आ रहा है, चनहुद्रो, कालीबंगा, लोथल, बनावली, धोलावीरा। तो हड़प्पा को खोज किया था दयाराम सहनी के द्वारा किस नदी किनारे? विस्तृत रावी नदी किनारे 1991 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। जिला का नाम था मोंटगोबरी जिला, जो पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो राखल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो खोजा गया था, जो सिंधी नदी किनारे स्थित है। 1922 ईस्वी में लड़काना सिंध पाकिस्तान में यह स्थित है वर्तमान में। चनहुद्रो एनजी मजुमदार के द्वारा खोज कर की गई थी, और किस नदी किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। 1931 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी, मोंटगोबरी जिला में स्थित है। फिर कालीबंगार है, ब्रजवासी लाल के द्वारा इसकी खोज की गई थी, सरस्वती नदी किनारे ये स्थित है। 1953 ईस्वी में इसका खोज किया गया था, और इसका जो कालीबंगा जो जिला है ना राजस्थान है। लोथर एस आर राव के द्वारा भोगवा नदी पर
किनारे इसको खोज किया गया था 1927 ईस्वी में। और ये कहाँ बुलोताल कहाँ पड़ता है, गुजरात में बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा सरस्वती नदी के किनारे इसको खोजा गया था 1973 ईस्वी में। और ये बनावली हरियाणा में पड़ता है, धोलावीरा गुजरात में पड़ता है, लूनी नदी किनारे मतलब कि इसको लूनी नदी किनारे इसको खोजा गया था 1990 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल ग्रुप में आता है कनिंगम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल ग्रुप में जाना जाता है। इसके द्वारा आरंभिक वासियों की जानकारी प्राप्त हो पाती है। इन्होंने बौद्ध चीनी यात्रियों की यात्रा वृत्त को भलीभांति पढ़ा था। जॉन मार्शल 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे। और उसके बाद REM व्हीलर 1944 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल बने थे। हड़प्पा सभ्यता की सीमा के बारे में, उत्तरी सीमा के रूप में सरायखोला गुमला घाटी डावरकुल आता है, दक्षिणी सीमा के रूप में मालवन आता है, ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ है, पूर्वी सीमा का आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे बसा हुआ है, पश्चिमी सीमा सुरखांगीडोर मकरान समुद्र किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी, इसकी नगर नियोजन थी। और यहाँ सड़क व्यवस्था मौजूद की एक प्रमुख व्यवस्था थी, यहाँ समतल और चोरी सड़कें हुआ करती थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सड़कें क्या करती थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और यहाँ समतल चोरी सड़कें हुए, सड़कें प्रायः मिट्टी की बनी हुई थी, किसी की बनी हुई थी मिट्टी की सड़कें बनी हुई थी, मिट्टी की सड़कें बनी हुई थी। और इसकी सफाई के लिए समुचित व्यवस्था की गई थी, सफाई के लिए भी व्यवस्था समुचित रूप से की गई थी, कूड़ा इकट्ठा करने के लिए कूड़ेदान भी बनाया गया था। सड़क के दोनों ओर चबूतरों के साक्ष्य देखने को मिल पाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली के अंतर्गत हम लोग देखते हैं मौजूदा के नगर नियोजन की एक और प्रमुख विशेषता यहाँ की जल निकास प्रणाली थी। चूँकि यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं और स्नानागार के साक्ष्य दिखाई देते हैं। स्नानागार क्या है तो मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसके सार्वजनिक स्थल था। यहाँ की विशाल दुर्ग में विशाल स्नानागार के साक्ष्य देखने को मिला था। अभी यहाँ पे जो विशाल दुर्ग था ना उसमें स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। इसके उतरने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी और इस विशाल स्नानागार का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए राजा महाराजा किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता की ईंटें, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था मोहनजोदड़ो से प्राप्त। सबसे बड़ी ईंटों का आकार देख सकते हैं आप, इतना आकार था मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी ईंटों का आकार 51.43 × 26.27 × 6.35 सेंटीमीटर हड़प्पा सभ्यता के ईंटों का प्रकार था। हड़प्पा सभ्यता के लोग पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता सामाजिक जीवन के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता के में परंपरागत परिवार ही इसकी सामाजिक इकाई हुआ करती थी। इनका सामाजिक जीवन सुखी और सुविधापूर्ण हुआ करता था। यहाँ जब उत्खनन किया गया ना तो बड़ी संख्या में क्या मिला था, नारी की मूर्ति मिली थी। और यहाँ इससे यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता में मातृसत्तात्मक मतलब कि माता की प्रधानता हुआ करती थी। हड़प्पा से जो सभ्यता था ना उसकी सामाजिक जीवन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार क्या करते थे, भोजन किया करते थे। खुदाई में सुइया प्राप्त हुआ था, ठीक है ना, इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग हैं ना सिले हुए वस्त्र का प्रयोग करते थे। केश विन्यास, लड़कियाँ जूड़ा बांधती थी, खप्पा बांधती थी और स्त्री पुरुष मूछधारी रखा करते थे। इस सभ्यता के लोग आभूषण के शौकीन थे, कंठहार ठीक है ना, भुजबंद, कड़ा, हंसुली इत्यादि ये पहना करते थे। इसके आभूषण बहुमूल्य पत्थरों, शंख और हाथी के बने हुए थे। श्रृंगार के भी हड़प्पावासी शौकीन थे। मोहनजोदड़ो की नारियाँ काजल लगाती थी, पाउडर लगाती थी इत्यादि की मिट्टी और धातुओं की तरह से तरह तरह के बर्तनों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग किया करते थे। यहाँ के निवासी आमोद प्रमोद के लिए प्रेमी थी, अपाशा का इसका प्रमुख खेल हुआ करता था। यहाँ से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति प्राप्त यहाँ से पैसे हुई थी। यहाँ के लोग गाना बजाने का शौकीन थे। मछली भगाने के कांटा की प्राप्ति भी इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग प्राय शिकार करते थे, शिकार के शौकीन हुआ करते थे। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में और पुद्ध का हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन से आपके स्वरूप के बारे में आप बताइए, इसका थियोरिटिकल पॉइंट अभी आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, भली भांति इसको पढ़ करके जो भी आपको निष्कर्ष निकलेगा उसको याद कर लेंगे और उसके बाद जैसे लिख देंगे बोर्ड पे। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक स्वरूप के बारे में किसी प्रकार की कोई लिखित साहित्य प्राप्त नहीं था, लेकिन स्मारक भी उपलब्ध नहीं थे। यहाँ उत्खनन के अवशेषों के आधार पर यहाँ के धार्मिक स्वरूप के बारे में पता चल पाता है।
हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक स्वरूप के निहित है। हड़प्पा सभ्यता में है ना संस्कृति में मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह इसी प्रकार कोई मंदिर प्राप्त नहीं था। मातृ देवी आज दुर्गा काली चंडी इत्यादि की पूजा की जाती थी, इसलिए इस सप्ताह को मातृ शतात्मक सप्ताह के रूप में जाना जाता है। इस सप्ताह को हड़प्पा सप्ताह को मातृ शतात्मक सप्ताह के रूप में जाना जाता है। फिर आता है हड़प्पा सप्ताह के लोग धरती को ही देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। हड़प्पा सप्ताह के में बड़ी संख्या में पत्थर और मिट्टी के लिंग योनि की प्राप्ति हो पाई थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग लिंग पूजा किया करते थे। ये विशेष रूप से पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे और पीपल के टहनियों का पशु के शीर्ष पर पीपल की टहनी दिखाई। कोबर वाला बेल विशेष रूप से पूजनीय था। पशुओं के शीर्ष पर पीपल की टहनियाँ भी दिखाई दी थी। नाग पूजा के संकेत देखने को मिलता है कि यहाँ पे बड़ी संख्या में ताबीज प्राप्त हुए थे, इससे यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ताबीज के प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो में वामपंथी वामवर्ती दक्षिणवर्ती दोनों प्रकार के स्वास्तिक प्राप्त हो पाता था। स्वास्तिक का संबंध सूर्य पूजा से हुआ करता था। कालीबंगा एवं लोथल से ईंटों से बनी देवी वेदी मिली थी, अग्नि पूजा के साक्ष्य देखने को मिलता था। कालीबंगा लोथल से ईंटों से बनी वेदी का प्राप्त हो पाता था। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन के अंतर्गत हम लोग कृषि पढ़ रहे हैं। कृषि के हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मूलाधार था और खेतों की उर्वरता के कारण यहाँ अनाज की कोई कमी नहीं होती थी। हड़प्पा सभ्यता में अनाज की कोई कमी नहीं होती थी। भंडार गृह होते थे। कपास की खेती भी यहाँ के लोग किया करते थे। कपास से कपड़े बनाते थे। मेसोपोटामिया में यहीं से कपास जाया करता था। वे सिंधु नाम से कपास को उच्चारित करते थे और यूनानियों ने इस कपास को नाम सिंधन कहा था। पशुपालन कृषि के साथ साथ हड़प्पावासी की अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन भी था। यहाँ दो प्रकार के बैल मिलते हैं। कोबर वाला बैल, बिना कुबे वाला छोटे सिंह वाला बैल। शील और उद्योधन कृषि और पशुपालन के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के शिल्प और उद्योगों के प्रति हड़प्पा संस्कृति के लोग को भी क्या था रुझान था। खुदाई में प्राप्त अनेक अवशेष प्राप्त हुए थे। खुदाई में क्या मिले थे? अनेक अवशेष मिले थे, ठीक है ना। और कुम्हार लोग मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चौक का प्रयोग करते थे। ये उसका स्वर्णकार का व्यवसाय भी उस समय में उन्नत अवस्था में हुआ करता था। ये खुदाई में प्राप्त हो पाया था। अब आता है कानफोटी विधि से आप क्या समझते हैं। कानफोटी विधि क्या है? अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री वी एफ लिबिक द्वारा 1940 ईस्वी में क्या होता है कानफोटी विधि की खोज की गई थी। और इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा देखने को मिलती है। इसका दूसरा नाम रेडियोधर्मिता और रेडियो एक्टिविटी के रूप में भी इसको जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के व्यापार और वाणिज्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। कृषि पशुपालन और शिल्प उद्योग के साथ साथ सिंधु निवासी व्यापार वाणिज्य में काफ़ी रुचि रखते थे। इसमें आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के व्यापार किया करता था। आंतरिक हड़प्पा सभ्यता के लोग बाटों का प्रयोग करते थे, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोग के द्वारा बैठखाना का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता से विभिन्न में निम्नलिखित जगहों से वस्तुओं की प्राप्ति हो पाती थी। सोना अफगानिस्तान भारत से दक्षिण भारत से मिलता था। चांदी ईरान अफगानिस्तान से प्राप्त हो पाता था। उसके बाद तांबा बलूचिस्तान और खेतरी से प्राप्त हो पाता था। शीशा ईरान और अफगानिस्तान से प्राप्त हो पाता था। और सिरखिरी बलूचिस्तान सिरखिरी कहाँ से प्राप्त हो पाता था? सिरखिरी बलूचिस्तान और राजस्थान से प्राप्त हो पाता था। नीलमणि महाराष्ट्र से प्राप्त होती थी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन साक्ष्यों से पता चलता है कि अपने अस्तित्व के अंतिम चरण में इस सभ्यता का पतन हो गया था। विभिन्न इतिहासकारों द्वारा इस सभ्यता के पतन के रूप में अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं। मार्शल और मेके के अनुसार क्या बोला गया था? मार्शल मेके तथा एस आर राव के द्वारा इस सभ्यता के पतन का कारण नदी में आने वाली बाढ़ को बताया गया था। एस एन घोष के द्वारा इस संस्कृति के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन था। क्रेडी के अनुसार इसका विनाश कारण क्या बताया? मलेरिया और महामारी इसका विनाश के कारण बताया गया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत लिपि हड़प्पा सभ्यता के द्वारा लोग द्वारा भावचित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया था। भावचित्रात्मक लिपि का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग द्वारा की गई थी। धातुकर्म के रूप में लोथल से कांस्य की कुछ वस्तुएं प्राप्त हो पाती थी। इसी करीब मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी भी प्राप्त हुआ था। जो वाहन के रूप में मोहनजोदड़ो से बैलगाड़ी का खिलौना प्राप्त हुआ था। मारतोल की तकनीक का प्रयोग सबसे बड़ा बाट का जो प्रयोग किया गया था 1375 ग्राम का था। चिकित्सा ज्ञान सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा बीमारियों को दूर करने के लिए आयुर्वेदिक औषधि की जानकारी दी गई थी। अब आते हैं इस अध्याय से ये अंतिम पायदान के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। अंतिम पायदान के अंतर्गत अन्य बातें ग्रुप में हम लोग देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा टीले की खोज की गई थी 1826 ईस्वी में किसके द्वारा? चार्ल्स मेसन द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था।
सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कालीबंगा से कहां से प्राप्त हुआ था? कालीबंगा से हल का प्रमाण देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था। उसके बाद आता है कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। राय बहादुर दयाशाली ने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था। पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य नहीं आता, क्या नहीं आता है? साहित्य नहीं आता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र मेसोपोटामिया मिस्र की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता ईरान की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन सभ्यता के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बीच की जो दूरी थी ना 670 किलोमीटर थी। पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है पुरानी वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के प्रमुख देवता क्या था? शिव थे। क्या थे? शिव थे। हड़प्पा में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में किया गया था। फिर आता है चौधरी नगर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा नगर के रूप में जाना जाता है। जुड़वा नगर के रूप में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा नगर के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन थी, नगर प्रणाली थी। सिंधु घाटी निवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता को लोथल बंदरगाह था। लोथल क्या था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। बनावली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन क्या था? नगर पालिका जैसा था। हड़प्पा की मोहरे सिरकरी पत्थर से बने हुए थे। कालीबंगा सरस्वती नदी किनारे बसा हुआ है। पर्दा पड़ता सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित हुआ करती थी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अध्याय 2 के लेकर के 12वीं बिहार बोर्ड के पैटर्न पर आधारित अध्याय होगा जो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जो वीडियो बनाने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।